लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं, खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही। इसे इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। इंडिया न्यूज की खबर का बसर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद मोहनलालगंज तहसील प्रशासन जागा और अपने कम्युनिटी किचन से 300 गरीब परिवारों को खाना बांटा। इस दौरान इंडिया न्यूज ने SDM पल्लवी मिश्रा से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, अब आप ये सुनिए। जिस तरह से इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो रोज कमाने खाने वाले हैं या घरों से मांग कर खाने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए इस लॉकडाउन के समय में काफी संकट का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को खाना नहीं मुहैया हो पा रहा था। इंडिया न्यूज ने खबर चलाई, उसके कहीं ना कहीं शासन प्रशासन ने उसका संज्ञान लिया और देख रहे हैं कि किस तरह से आज यहाँ पर जो मोहनलालगंज की उप जिलाधिकारी पल्लवी मिश्रा हैं, लोगों में लंच का पैकेट वितरित कर रही हैं। जो लगातार तहसील प्रशासन है वो लगा हुआ है। मैडम से बात करते हैं, मैम किस तरह से आज सब लोगों को खाना वितरित किया गया? देखिए, हम लोग को कम्युनिटी किचन चलाने के माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए हैं। चूंकि लॉकडाउन पीरियड है, ऐसे में ऐसे लोग जो रोज ही कुआं खोद पानी पीते थे, उनके लिए बड़ी दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो उनका उनको प्रॉपर भोजन रोज उपलब्ध हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने तहसील स्तर पे कम्युनिटी किचन की स्थापना की है और वहां से खाना बना करके इनको स्थान स्थान पर वितरण कराया जाए। आज अगर बात की जाए तो लगभग कितने जरूरतमंदों को खाना वितरित किया? आज लगभग 300 लोगों को। बिल्कुल, तो देखा जाए कि जिस तरह से देश में एक महामारी की स्थिति है और लगातार उसको लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में जनता भी लगातार देश का भी सपोर्ट कर रही है, घरों से नहीं निकल रहे हैं। वहीं शासन और प्रशासन, यहां तक सरकार भी लोगों को ध्यान में रखकर कम्युनिटी किचन का शुरुआत की गई है। इस कम्युनिटी किचन द्वारा आज तहसील प्रशासन द्वारा खाना बनाया गया था और जरूरतमंदों तक बांटा गया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से, अगर हम सोशल डिस्टेंस की बात करें तो उसको भी ध्यान में रखकर ये पूरा जो लंच पैकेट है वो बांटा जा रहा, ताकि ये गरीब लोग भूखे न सोए। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। और लॉकडाउन के बीच